आगे चलो। ये नहीं मैं लूंगी बच्चा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम लोग गए थे कैंटीन, तो वहां से आ गए हैं एंड इवान ने सारा सामान भी रख दिया है जगह पे। ये हमारे घर में कीड़े आ रहे थे ना, तो फ्लोर क्लीनर है। कल गई थी हॉस्पिटल, इसकी तबीयत खराब थी। हाँ, खांसी जुखाम बुखार हो रहा है, बहुत सारी दवाइयां दे रखी है। अभी गर्म पानी दूंगी, रुको रुको। हम क्या लेके आए, क्यूट सा ये दिखाओ दो, ये ब्रश रखने वाला। हमेशा देखती थी बट आज मुझे कैंटीन में दिख गया तो लेके आ गए। शॉप में ऑनलाइन देखते हैं काफी चीज, पर हम खरीदते नहीं है। कैंटीन में गई तो बस वही होता है, कैंटीन में जाके पड़ा हुआ मिल गया तो लेके आ गई। एक इवान का, एक मम्मा का और पापा का है एक सेट। ये रहा, ये इसके पापा के लिए। यहाँ पे दाल रख दी है बॉईल करने के लिए। सोच रही आज रोटी बनाऊं, मैं चावल खाऊंगी तो फिर ये भी चावल मांगेगा, तो रोटी बनाती हूँ, दोनों रोटी खाएंगे। दाल बॉईल हो रही है, आटा गूंथ लेते हैं। और अब मैं जा रही हूँ कूड़ा फेंकने। ये घर के सामने है कूड़ा, उसके बाद ही पता नहीं क्यों कूड़ा लेने आते हैं, तो आते तो हम दे देते हैं। तो आज मैं कैंटीन चली गई थी तो खुद ही फेंक के आती हूँ। ये देखो, ये है सामने कूड़ादान, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने वो लगा रखे हैं, खाली पैसे वेस्ट। इससे अच्छा कहीं अच्छी जगह यूज़ कर लो पैसे को। खैर ये भी ठीक ही है, उनको काम मिल जाता है। फिलहाल फेंक के आती हूँ मैं कूड़ा। मुझे रोटी के साथ दाल पसंद नहीं है, बट इवान के चक्कर में उसके लिए मैंने दाल निकाली है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा, थोड़ा लिक्विड खा लेगा थोड़ा, फिर मैं अपने लिए छौंक रही हूँ। अभी हो गया शाम का टाइम एंड बस मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी के थोड़ा वॉक करके आती हूँ, क्योंकि एक दो दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो बाहर नहीं गए हैं। थोड़ा फ्रेश हो जाएगा मूड एंड सब्जी भी लेके आनी है, देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं। 6:30 ही बजे, अब इतना अंधेरा हो गया यहाँ तो। हम लोग क्या हुआ, हम लोग आए थे वॉक करने, अब जा रहे हैं घर की तरफ। क्या मुँह से बोला कर। आ गए हैं हम लोग घूम के, सब्जी लेके आई थी बट लेके नहीं आई, क्योंकि उसको बहुत खांसी हो रही थी, तो मैं सोचा थोड़ा पार्क वार्क में घुमा के ले आती हूँ, थोड़ा नॉर्मल फील होगा। दिल की दाल बची है, सोच रही हूँ उसी के साथ खा लूंगी या देखती हूँ कुछ और क्या बनाती हूँ। फिलहाल कर लेती हूँ पहले पूजा। क्या हुआ? आप तो पैदा ही नहीं हुए थे। ठीक है, अभी दोबारा जाएंगे। ये बताओ कहाँ की है? ये कामाख्या मंदिर की है। हाँ, हम लोग घूमने गए थे ना, मंदिर गए थे, हाँ, तो वहाँ की फोटो है ये। ओके, अब आपको भी लेके जाएंगे। ठीक है, ओके ओके। मेरी बात मान नहीं रहा, फिर खांसी हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो आपको भी लेके जाएंगे। ओके ओके।
मैं कुछ क्राफ्ट का काम कर रही हूँ, तो मैं ये चूड़ियाँ ढूंढ रही थी, मुझे मिला ये 3 साल पहले खो गया था। फिलहाल मैं एक नई चीज़ बना रही हूँ, फिश तो मैंने बना दी, आप लोगों ने देखी होगी, अब मैं कुछ और बना रही हूँ। इससे होता है हाथ भी साफ़ हो जाते हैं और हम फ्री भी नहीं रहते एंड घर भी डेकोरेट हो जाता है कम बजट में, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ खरीदो और कोई फ़ायदा तो है नहीं, कभी यहाँ पोस्टिंग कभी वहाँ। फिश देखो मैंने वहाँ लगा दी और फ़ोटोज़ भी लगा दी, फ़ोटोज़ भी मैंने लेमिनेशन करा रखी है, क्योंकि इस बार सोच रही मैं वाली बना के लाऊंगी, लेमिनेट वाली जो फ्रेम के साथ आती है, ये मैंने आसाम में वैसे ही बनाई थी लेमिनेशन के साथ, क्योंकि मैंने सोचा कभी फिर पोस्टिंग इधर जाओ उधर जाओ सामान ख़राब हो जाता है, हो के जाता है। मेरा पूरा एक ट्रंक में सामान था पूरा क्राफ्ट का जो मैंने आसाम में बनाया था पूरा, मतलब मैं मतलब पोस्टिंग के टाइम मैं थी, मतलब पैकिंग जब हो रही थी मैं वहाँ पे नहीं थी, तो सारा हस्बैंड ने भिजवाया, पता नहीं कैसे भिजवाया, कहाँ रख दिया उसे बारिश में, पूरा मेरा जो भी क्राफ्ट का सामान था सब ख़राब हो चुका है। तो अब मैं फिर से बना रही हूँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें कॉस्टली, एक जगह परमानेंट रहना होता तो हम अच्छा सा खरीद लेते, तो परमानेंट जगह रहना नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसलिए टेम्प्रेरी बना रही हूँ, और फिर यहीं पे छोड़ भी देंगे तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 3 साल कट जाएगा हमारा इस डेकोरेशन में, फिर वहाँ नए क्वार्टर में जाके नया बना लेंगे, और फिर जब परमानेंट घर होगा तो वहाँ तो अच्छा अच्छा खरीद लेंगे न्यू। तो फिलहाल बनाती हूँ, आज खाना तो बनाना नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ यही सब करती हूँ, रोटी बनानी है बस, और अपने लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ। दाल के साथ खाने का मन करेगा तो वही खा लूँगी, नहीं तो कुछ और। नाश्ते में मैं खा रही हूँ ये बॉयल छोले, इसमें टमाटर प्याज और नमकीन वगैरह डाल दिए, ज़्यादा मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर शाम को ले गई थी मैं सब्ज़ी एंड कुछ फ्रूट्स लेने। बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आजकल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो तब तक शॉर्ट्स वीडियो एंजॉय करना, लॉन्ग वीडियो देखती हूँ मैं अब नेक्स्ट कब लेके आती हूँ।